न्यूज़पत्र पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर मोबाइल फोन यूजर्स के लिए जरूरी खबर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स को निशाना बना रहे एक नए वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान किया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने नाम के एंड्रॉयड मॉलवेयर को लेकर अलर्ट जारी किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यह वायरस एंड्रॉयड डिवाइस को निशाना बना रहा है। चिंता की बात यह है कि यह वायरस मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और कैमरा जैसे संवेदनशील डेटा को हैक कर रहा है। इंडियन कंज्यूमर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक ये वायरस मोबाइल में एंटीवायरस प्रोग्राम को बेअसर कर सकता है और फाइल्स को नष्ट करने के लिए रैंसमवेयर डाल सकता है। साइबर हमलों से निपटने वाली केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये वेबसाइट के जरिए स्मार्टफोन पर हमला कर रहा है और दूसरी डिवाइस में फैल रहा है। एजेंसी का कहना है कि यह नया वायरस डिवाइस में पासवर्ड को बदलने, स्क्रीनशॉट कैप्चर करने, एसएमएस चोरी करने, फाइल्स डाउनलोड या अपलोड करने में सक्षम है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यह वायरस इन्फेक्टेड डिवाइस में फाइल को कोड करने के लिए एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है। एजेंसी के मुताबिक ये खतरनाक वायरस डिवाइस में मौजूद फाइल्स को लोकल स्टोरेज से डिलीट कर देता है और केवल .enc एक्सटेंशन वाली एन्क्रिप्टेड फाइल्स और readme_now.txt वाला रैंसम नोट छोड़ देता है। इस वायरस से बचने के लिए एडवाइजरी में कहा गया है कि यूजर्स बिटली और टाइनी URL जैसे छोटे URL वाली वेबसाइट से अलर्ट रहे। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं उसका पूरा डोमेन अच्छी तरह से चेक कर लें। मैसेज या ईमेल में मिलने वाली किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।